झारखंड के नए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। नए राज्यपाल झारखंड में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और ये नए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं और साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और झारखंड के अब तक के राज्यपालों की जो सूची है उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है जानकारी और राज्यपालों की जो सूची है उसमें कौन कौन है। तो राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान की जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है। और एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि किसी एक राज्य का राज्यपाल जो है वह दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो दोस्तों, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है या फिर कार्यपालिका जो है राज्य का, उसका प्रमुख राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्य की शासन व्यवस्था का जो वास्तविक शक्ति है वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की होती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो शासन की होती है वह मुख्यमंत्री के हाथ में होती है और साथ ही साथ में मंत्रिपरिषद की भी उत्तरदायित्व होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, परंतु यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण की जाती है। तो दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण की जाती है। यानी कि इसमें समझना यह है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल को हटा सकते हैं, जब चाहे तब हटाया जा सकता है। अगर 5 साल नहीं भी कंप्लीट होता है फिर उससे पहले भी वह हटा सकते हैं राज्यपाल को, या तो फिर 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति उनको कुछ और दिनों के लिए, कुछ या और सालों के लिए भी उनको राज्यपाल नियुक्त करके रख सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो यहाँ पर जानना है कि 5 वर्षों के लिए होती है, उससे पहले भी हटाया जा सकता है या उसके बाद भी हटाया जा सकता है राज्यपाल से। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ ही साथ भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो यह इनकी योग्यता है। जो थोड़ी वो जानकारी है वह मैं बता देता हूँ। हम लोगों को तो झारखंड के राज्यपालों की सूची को देखना है, तो उससे रिलेटेड ये जानकारी है, तो इसको भी अभी जान लीजिए। तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष यानी कि 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी जा करके आप राज्यपाल बन सकते हैं किसी राज्य के, और साथ साथ भारत का भी नागरिक होना चाहिए। तो यह इनके क्रिटेरिया है राज्यपाल बनने के लिए। दोस्तों, राज्यपाल जो होते हैं वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वह उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या तो फिर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख में सामने में अपना शपथ ग्रहण करते हैं राज्यपाल के रूप में। राष्ट्रपति का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 3,50,000 रुपये प्रति माह है, यह भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि झारखंड के अब तक के राज्यपालों के नाम कौन कौन हैं और इनकी जो कार्य अवधि थी वह कब से कब तक थी, तो इसको जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तब से अब तक के जो राज्यपाल हैं उनको देखते हैं। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है, तो उसी समय सबसे पहला जो राज्यपाल थे वह थे प्रभात कुमार। तो झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। तो उनका जो कार्यकाल है वह है 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक, यानी कि 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक पहले राज्यपाल प्रभात कुमार की कार्य अवधि थी। दूसरे नंबर के राज्यपाल हैं वीसी पांडे, और यह कार्यवाहक राज्यपाल थे वीसी पांडे। इनकी जो कार्य अवधि थी वह थी 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक, यानी कि 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक। तीसरे राज्यपाल एम रामा जोईस, और इनकी ड्यूरेशन जो थी वह है 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक, यानी कि 15 जुलाई 2002 से लेकर के 11 जून
2003 तक एम रामाजोई का कार्यकाल रहा। चौथे राज्यपाल रहे झारखंड के वेद प्रकाश मारवाह। तो वेद प्रकाश मारवाह की कार्य अवधि जो रही हुआ है 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 यानी कि 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक इनकी कार्य अवधि रही राज्यपाल के रूप में। पांचवें राज्यपाल रहे झारखंड के सैयद शिबते रजी और इनकी जो कार्य अवधि रही 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक। तो यहाँ पे 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक सैयद शिबते रजी रहे झारखंड के राज्यपाल। छठे नंबर के राज्यपाल रहे के शंकर नारायण। तो के शंकर नारायण के जो ड्यूरेशन थी इनको राज्यपाल के रूप में हुआ थी 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक। तो 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक के शंकर नारायण राज्यपाल रहे। सातवें नंबर के रहे MOH फारूक। तो MOH फारूक राज्यपाल रहे 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक। तो 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक MOH फारूक राज्यपाल रहे। आठवें राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद और इनकी जो कार्य अवधि रही वह थी 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक। यानी कि 4 सितंबर 2011 से लेकर के 15 मई 2015 तक डॉक्टर सैयद अहमद रहे झारखंड के राज्यपाल। नौवें नंबर के राज्यपाल रहे द्रौपदी मुर्मू और इनका जो कार्य अवधि रही वह 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक। इनकी जो कार्य अवधि रही वह 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक द्रौपदी मुर्मू। और यह यहाँ पर खास यह है कि द्रौपदी मुर्मू ही एकमात्र अब तक के राज्यपाल झारखंड की रही जिनका कार्यकाल पूरी तरीके से 5 साल से ज़्यादा चला, 5 साल से ज़्यादा। और कोई भी राज्यपाल ऐसे नहीं रहे जिनकी कार्य अवधि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा रहा, सब 5 साल से कम रहे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जो अवधि रहा हुआ 5 साल से ज़्यादा रहा। यह भी आपको जानकर ध्यान रखना, याद करना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में 10वें नंबर के राज्यपाल जो बनाए गए, जो नियुक्त किए गए, उनका नाम है रमेश वैस। ये वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड के और इनकी जो कार्य अवधि है वह 7 जुलाई से शुरू हो गई है। और ये कब तक रहेंगे यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तो 7 जुलाई 2021 से इनकी कार्य अवधि शुरू हो गई है। तो वर्तमान राज्यपाल अभी 10वें नंबर के बनाए गए रमेश वैस, यह आपको याद रखना ही रखना है। दोस्तों रमेश वैस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं कि किसी भी राज्य में अगर शासन व्यवस्था फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यों पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यों पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है। तो यह झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लग चुका है। तो इसके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगी। तो यह थी जानकारी झारखंड के राज्यपाल के बारे में और यहाँ पर कौन कौन से राज्यपाल बने और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये सब सारी जानकारी को आपने देख लिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट ऐसे ही मिलती रहें। और एग्ज़ाम के लिए ये सब सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू दोस्तों।